अगर जिंदगी एक सफर है तो परिवार उस सफर का सबसे सुंदर हम सफर होता है। तो आज हम जाने वाले एक सफर में वो जगह है ओड़ासुणी और हम उसमें अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, हमारे फैमिली के सारे बच्चे लोगों के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के एक सुंदर से सफर को। बहुत दिनों से मैं आया हूँ घर और इसकी वजह से बहुत सारे वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो आज हम लोग निकल रहे हैं एक छोटे से ट्रिप पे। हम जा रहे हैं अभी ललितगिरी विद चिंकू भाई। हम पे और दो तीन स्पॉट भी हैं, एक है ओड़ासुणी गुम्फा और दो तीन जगह है, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है। सो जाएंगे घूमने, पर अभी 10 बज चुके हैं, धूप भी होने लगी है, तो देखते हैं मौसम अच्छा रहता है या फिर अपने साथ कठोर रहता है। 10:06 हो चुके हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं दो गाड़ी पे, स्कूटी एंड बाइक, लेट्स गो। हे भाई तो धारनी, अब हम लोग भी निकल रहे हैं। जी हाँ, लेट्स गो। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि धूप हो रही है, पता नहीं क्या होने वाला है, और अब देखो क्या हो रहा है, बारिश। होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी बारिश छूट जाए, बहुत जोरों की बारिश हो रही है। पिंकू मैम, जीबा, मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, धन्यवाद। बारिश का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कभी जोरों का हो रहा है तो कभी धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे हो रहा है। हम लोग अगर निकलेंगे तो क्या होगा, बारिश। हम लोग नहीं गए, अच्छा हुआ कि बुरा। हम लोग एक जगह से निकल गए, दूसरी जगह आके बैठ रहे हैं, बहुत जोरों की बारिश हो रही है। होप करते हैं कि जल्दी हम लोग पहुंच जाए। और हाँ, बारिश मतलब श्रावण, और श्रावण का महीना है तो बोलबम भी शुरू हो चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि किस्मत ही हमारे साथ नहीं है, ये देखो जहां जा रहे हैं उधर उधर बारिश। लेट्स सी पहुंचेंगे कि नहीं। इसके बीच हम लोग 4 या 5 हज़ार रुक चुके हैं। जितने तू मिलते जाए इतने लगे थोड़ी थोड़ी। हम तब से जिधर जा रहे हैं बारिश उधर हमारे साथ साथ आ रहा है, मतलब हो ही नहीं रहा था। आज जब निकले तब धूप हो रही थी, और ये देखो रिजल्ट। अब हम लोग जा रहे हैं पूरा ओड़ासुणी पहाड़ के ऊपर, और ये देखो रास्ते काट काट के बनाए गए हैं ताकि गाड़ी वाड़ी जल्दी जल्दी जा सके, और वो लोग थोड़े आगे हैं, हम लोग थोड़े पीछे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ओड़ासुणी पे, और ये रहा मंदिर। कैसा लग रहा है यहाँ पे पहुंच के, इतना ज्यादा स्ट्रगल के बाद 6 बार रुक के जाना पड़ा, 5 बार भीग के, 7 समंदर पार करके आगे ये धूप वाली जगह पे पहुंचे हैं। बहुत खुशी हो रही है, सुंदर सुंदर, अति सुंदर। मैं बता रहा हूँ नॉर्मली मंदिर आते तो इतना ज़्यादा खुशी नहीं होता, पर जितना अपन स्ट्रगल करके आए ना उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है यहाँ पहुँचने के बाद। और मंदिर का लुक भी बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, बढ़िया। किंतु पूरा एम ऐसी पहुँच ले खोराडा है, पूरा पागोड़ा देख ला, पूरा चंगा देखा हमने हवा। और मंदिर तो हम लोग अभी जा नहीं सकते क्योंकि ये हमारा अभी एक प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया नज़ारा है जो कि यहाँ पे है। पहले तो ये देखो, दो साइड दो घर है, ऊपर है एक एक क्या है इसे, नाव, नाव, लेट्स गो, डोंगा, डोंगा बोट, यू कैन से एनीथिंग। यहाँ जितना दिख नहीं रहा होगा आँखों से, बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस है ऊपर आके। ओके, तो बारिश वारिश सह के हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और आना पूरा का पूरा वर्थ इट रहा क्योंकि ये जो व्यू है, बहुत ज़्यादा बढ़िया व्यू है, मतलब क्या बताऊँ मैं। वो वाला जगह देखो, वहाँ पर से पूरा का पूरा सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे चल लिया फोटो शूट। वो लोग कहाँ गए मैं देखने जा रहा, इधर ही, ओ पूरा आ गया वहाँ पे,
और हम लोग ये चीज भूल गए थे कि यहाँ पे फोटो उठाना मना है, ये तो नहीं मना किया कि वीडियो बनाना मना है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, तो हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं कुछ भी। So, let's go. ये एक्चुअली बंद है भाई, वो बंद था और ये लोग उसको तोड़ के अंदर घुस चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोग फोटो ले रहे हैं तो हम मना नहीं करेंगे क्योंकि कपल है। चलो अच्छा हुआ एक निषेधांचल पे घुस गए, मजा ले लिए, उसके बाद पता चला कि वो निषेध है, चीटिंग करता है तू। चलो अब मंदिर वंदिर तो घूम नहीं सकते, बट मंदिर को बाहर से थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं ताकि ताकि क्या, आप लोग आओ यहाँ पे घूमो, बढ़िया जगह है। बारिश नहीं हो रहा, नीचे बारिश हो रहा होगा। हाँ मेरे को भी वही लग रहा है क्योंकि ऊपर का देखो जो मौसम है बढ़िया है, बढ़िया वो बढ़िया है, बट वहाँ का देखो पूरा पूरा काला काला बादल, बादल जो है हम लोग के नीचे चल रहा होगा। हाँ ये बहुत ज़्यादा ऊपर है। अरे वन मोर थिंग, उड़ीसा के जो लोग हो वो लोग बताओ क्या आप लोग यहाँ पे आए हो कि नहीं, अगर नहीं आए तो एक बार विजिट करो, बढ़िया जगह है। अब देखो गाड़ी को बिना स्टार्ट करके नीचे लेने का ट्रिक, ये है ट्रिक। थैंक यू। वीडियो के लिए बनाया जा रहा था दोस्तों। पिंकू हाउ इज इट? इट्स वंडरफुल, नाइस, थैंक यू। और अभी हम लोग मंदिर से निकले ही क्या थे, बारिश हो गई और ये है मंदिर को चल के जाने का रास्ता, बहुत लंबा है। ओके अब मंदिर से निकलने के बाद फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गया और मुझे नहीं लगता हम लोग और कहीं जा रहे हैं, सोचे थे कि ललितगिरी जाएंगे बट नहीं जा रहे, तो आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। ओके बॉय, बाय बाय। ये अभी वरना लाइव एक्सीडेंट शूट हो जाता। ठीक है चलो इतना ही आज के लिए, बाय बाय। शुक्रिया डॉक्टर ट्री।